नमस्कार। मैंने फर्स्ट पाली का क्वेश्चन डाला था दरोगा का, अब सेकेंड पाली के क्वेश्चन को मैं डालता हूँ जो मेरे पास क्वेश्चन अभी तक आया है। सेकेंड पाली के क्वेश्चन में दोनों के क्वेश्चन जो अभी तक आया है मेरे पास क्वेश्चन लगभग 22 क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन आते रहेगा, मैं डालते रहूंगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन है। तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। आंसर कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल दिवस पर क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब जानते होंगे हॉकी के जादूगर कौन थे? ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपको खेल दिवस पर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला शोक किस वंश का था? काला शोक किस वंश का था? किस वंश का था? काला शोक था शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश। काला शोक आपको शिशुनाग वंश था। अगला क्वेश्चन है पूर्वी द्वीप समूह का खोज किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी द्वीप समूह का खोज किसने किया था? खोज पूर्वी द्वीप समूह का ऐसा लगता है खोज किया था पुर्तगाली द्वारा खोज किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा पूर्वी द्वीप समूह को खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चिली की राजधानी पूछा गया तो सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो सेंटियागो बार बार मैं क्लास में बोलते रहता हूं, सेंटियागो चिली की राजधानी है। राजधानी सेंटियागो कौन महादेश में है? यह आपको नीचे यानी साउथ अमेरिका में सेंटियागो। देशबंधु नाम से, नेक्स्ट क्वेश्चन है देशबंधु के नाम से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं सीआरदास। कौन दास? सीआरदास, यानी देशबंधु के नाम से आपको चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। लुई सोलामा किस वंश का था? आपका क्वेश्चन था लुई सोलामा किस वंश का था। तो आपका आंसर हुआ बुरबो वंश। जान लीजिए फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुई थी, ऐसी के शासनकाल में हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इतिहास का क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति आपको 14 जुलाई 1789 में हुआ था और लुई सोलामा बुर्बो वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति को सूचना प्रधानमंत्री, कोई बात की सूचना राष्ट्रपति को पीएम किस आर्टिकल के तहत कोई बात की सूचना देता है। सूचना देता है यह आर्टिकल 78। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस राज्य में है? दुर्गावती जलप्रपात
बिहार के किस राज्य में है? तो रोहतास। ये आपको ऑप्शन होगा, क्या होगा? रोहतास, जो भी ऑप्शन होगा वो रोहतास दुर्गावती जलप्रपात। स्थानीय स्वशासन किस विषय में है? स्थानीय स्वशासन, क्वेश्चन नंबर 10। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन तीन को विषय होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो स्थानीय स्वशासन है आपका विषय है राज्य सूची के अंतर्गत, इसको दिमाग में, स्थानीय स्वशासन आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है। एज ऑफ टाइम बुक, एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम पुस्तक है या सचिन तेंदुलकर, पिछला बार भी सचिन तेंदुलकर का पुस्तक पूछा था, इस बार भी पूछ दिया सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एज ऑफ टाइम पुस्तक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, स्थापना 1939 में हुआ था। कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। आपको लगभग 10, 11, 20, 11, 12 और 13 क्वेश्चन को मैंने डाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति कितने एजेट तक ध्वनि तो सुन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कितने एजेट तक के ध्वनि को, कितने एजेट तक के ध्वनि को, ध्वनि को सुन सकता है, ध्वनि को सुन सकता है, तो सुन सकता है 20 एजेट से लेकर 20,000 एजेट के बीच, क्या 20 एजेट से 20 सर्वता सीमा जिसको कहा जाता है, 20 एजेट से 20 एजेट के बीच। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा बड़ा इंपॉर्टेंट, जापान की मुद्रा आपको एन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा आपको एन है। छठ पूजा, बिहार में छठ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा पवित्र और श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाया जाता है। और छठ पूजा किस भगवान को अर्घ दिया जाता है? तो सूर्य भगवान, सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को। यह जान लीजिए बिहार, भारत में कोई ऐसा पर्व नहीं जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते और उगते हुए दोनों सूर्य को, सभी जगह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन छठ पूजा में डूबते और उगते हुए दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? या यूपी जनसंख्या, किस राज्य की, किस राज्य की जनसंख्या, जनसंख्या अधिक है, अधिक है, यह है यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? गंगा डेल्टा के, गंगा डेल्टा के उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु है, यह आंसर होगा आपको फरक्का, 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 गंगा डेल्टा के उत्तरी बिंदु है, यह है फरक्का। राष्ट्रपति की जमानत राशि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि, राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि, जमानत जो जब्त हो जाती है, जमानत राशि कितना प्रावधान है? 15,000 रुपया, 15,000 रुपया राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे, प्रस्तावक थे आपको महात्मा गांधी, महात्मा गांधी,
भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला, अवसर की समानता। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के मैदान से हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी अपने जीवन काल में 3 जनव्यापी आंदोलन चलाए थे, पहला असहयोग, दूसरा सत्याग्रह और तीसरा भारत छोड़ो। और तीसरा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं किया था। तो यही कहता है भारत छोड़ो का नारा था डू एंड डाई। डू एंड डाई शब्द का सुझाव किसने दिया था जानते हैं? मेहर यूसुफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अवसर की समानता। अवसर की समानता यह आर्टिकल है, आर्टिकल 16 में चर्चा अवसर की समानता। कर्पूरी देवी किस पेंटिंग से संबंधित है? कर्पूरी देवी बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा है। कर्पूरी देवी किस पेंटिंग से संबंधित है? कर्पूरी देवी, यह है मधुबनी पेंटिंग। कौन पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग। कर्पूरी देवी आपको मधुबनी पेंटिंग से आपको संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। डीआरडीओ का मुख्यालय, डीआरडीओ का मुख्यालय आपको कहाँ है? बंगलुरु। डीआरडीओ का मुख्यालय बंगलुरु है। ओजोन परत में कौन सी गैस के कारण हानिकारक? ओजोन परत में कौन सी गैस के कारण हानि पहुंचाया है? वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछता है। लाल मिट्टी उपयुक्त है आपको मूंगफली के लिए। इसके लिए मूंगफली, लाल मिट्टी है आपको मूंगफली के लिए उपयुक्त है लाल मिट्टी। आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डाले, फिर सेकेंड फेज में फिर मैं क्वेश्चन डालता हूँ, कलेक्शन लड़के भेजते हैं क्वेश्चन, तो फिर 40 क्वेश्चन लगभग होगा। और फिर क्वेश्चन जितने मार्क कलेक्शन आता है सेकेंड में मैं डाल रहा हूँ। तब तक इसको देखिए, मिलाइए, क्वेश्चन ठीक है मेरे हिसाब से। देखिए कटअप कितना जाएगा, कटअप पर एनालिसिस करेंगे। जब क्वेश्चन का पूरा डाल देते हैं, लड़के से बातचीत करते हैं, इसका कटअप पर एनालिसिस करेंगे, फिर मिलते हैं सेकेंड जब डालता हूँ उसमें। जय हिंद, जय भारत।